नमस्कार मैं हूं पीयूष शर्मा आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को जो रेसलर्स जंतर मंतर पे बैठे हैं उनको झटका लगा है जी हाँ इस वक्त की बड़ी खबर देखिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ तो उन्होंने पहलवानों के वकील से यह बोल दिया है कि आप ये मसला कहीं और लेके जाइए कहीं और का मतलब कि निचली अदालत में मजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए हम इस पे सुनवाई अभी नहीं कर सकते हैं यह बड़ी खबर देके इस वक्त आ रही है पहलवानों को काफी बड़ा झटका जो है इस वक्त लगा है और लगातार देखिए कि पहलवान ये उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए हमें यह मामला ले जाएंगे तो उनको कुछ राहत मिलेगी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो सकेगी भाजपा को काफी करारा झटका लगेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है तो उन्होंने ये भी बताया कि पहलवानों को कोई भी तरह का देखिए खतरा नहीं है ब्रिजभूषण से या किसी और से और उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले में सरकार जो है दखल नहीं दे रही है और ब्रिजभूषण की तरफ से देखिए के वो केस लड़ रहे हैं यह बड़ी खबर देखिए इस वक्त क्योंकि लगातार पहलवान जो जो थे थे ये मांग कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो है वो ठीक से देखिए कार्रवाई नहीं कर रही है आज सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी देखिए यह बोला कि देखिए दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया इसके बावजूद देखना पड़ेगा कि आखिरकार अब निचली अदालत में हाई कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट के पास अगर जाते हैं तो क्या मिलता है और साथ ही साथ देखिए कि क्या कल रात को तो जो घटना हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा